हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है अबव 40-42 होने वाला आइंदा 2-3 दिनों में, तो उसकी प्रिपरेशन ये हमने ली है कि सारे एसी, चिलर, पैकेज यूनिट सब की सर्विस कर रहे हैं, जिसकी वजह से लीकेज की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं और मोटर इश्यूज से बचा जा सकता है, कंप्रेसर हीटअप से बचा जा सकता है। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं। कंडेंसर वाशिंग चल रही है, इसके बेस से भी कंडेंसर है, साइडों में भी कंडेंसर है। ये सिस्टम 1 है। सिस्टम 2 देख लेते हैं, सेम एज इट इज़। इसके बेस में भी कंडेंसर है, साइडों में भी कंडेंसर है। यह है सिस्टम 2। कंप्रेसर साइड भी देख लेते हैं, ये कंप्रेसर साइड है, ये बैरल साइड है, ये इसकी सारी पाइपिंग है, थ्रेडिंग हुई हुई है। ये एचयू है इसका, आगे 3 छोटे छोटे एचयू हैं, वो भी इससे कनेक्टेड हैं। इस एसी की सर्विस हो चुकी है। कंडेंसर इसके जो है ख़त्म होने पर है, सर्विस हो चुकी है. कंडेंसर की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इट विल टेक टाइम टू बी क्लीन। गाइस, सर्विस पंप हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है इस तरह के इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए सर्विस पंप यूज़ किया जाता है, क्योंकि सर्विस पंप हमारी दूसरी साइट पे अवेलेबल है। तो लेकिन प्रेशर ऑलमोस्ट बेहतर है, तो काम चल जाता है। वन टाइम ये यहाँ से क्लीन होगा, फिर इसको आउटसाइड से क्लीन करेंगे। इस तरह नीचे से भी इसको वन टाइम क्लीन किया जाएगा, फिर जाके ये यूज़ेबल हो सकता है। परफेक्ट तो नहीं कह सकते, यूज़ेबल हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये रिप्लेसेबल यूनिट है। ऑलरेडी रिक्वेस्टेड, इंशाल्लाह विल बी वेरी सून वी विल गेट न्यू यूनिट। वेदर इज ऑलरेडी टू मच हाई गाइस। You can see this guy is also in fasting but still doing work. Appreciative man.
इसको टारगेट दिया गया है कि ये पानी देख रहा है कि जब तक ये पानी बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता ये धोता रहेगा। देखें फ्रेंड, जब तक ये पानी साफ़ नहीं हो जाता ये शख्स इस कंडेंसर को धोता रहेगा। Now condenser looks clean. देख लें कंडेंसर, ये ये दूसरी तरफ दूसरे सर्किट में आ गए। यहाँ पे सर्विस चल रही है, यहाँ पे भी सेम इसी तरह प्रेशर से इसको इनर साइड क्लीन करना है, फिर ये बाहर निकल के फिर आउटसाइड इसको क्लीन करेंगे। इस कंडेंसर की थिकनेस बहुत ज़्यादा है। SKM यूनिट नॉर्मली आई डोंट लाइक, फ़ैन मोटर चलने के इश्यूज़ बहुत हैं, लीकेज के इश्यूज़ बहुत हैं, बहुत मुश्किल काम होता है SKM पे करने पे, बहुत मुश्किल। ये भी इस तरफ का कंडेंसर रह गया, ये आखिरी मरहला चल रहा है। इंशाल्लाह इसके बाद कंडेंसर की सफाई तो हो जाएगी इससे। ये मैं दिखा देता हूँ, ये तो सबसे पहले किया था, उसके बाद ये किया, ये ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, इंशाल्लाह काम चलने के काबिल है। उसके बाद ये वाला इसका हमने साफ़ किया, ये भी तकरीबन साफ़ हो चुका है। रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग द लास्ट वन इज आखिरी मरहले में नीचे से इसकी सफाई होगी इंशाल्लाह, उसके बाद ये काम ख़त्म। ऑफिशियली नेम है उसको कहते हैं PM, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। वो जो मेरे दो जूनियर हैं उनको मैं बता रहा हूँ, जो लोग सीनियर हैं जिन लोगों ने अच्छे भर में काम किया है वो तो इससे अवेयर होंगे। PM, PM, करेक्टिव मेंटेनेंस, इट्स कॉल्ड PM। जो कि क्वार्टरली शेड्यूल होता है, ईयरली, क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली, फिर एयरली जब करते हैं उसमें फिर सारी चीज़ें डिटेल, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं उसको वीडियो रिकॉर्ड करूँगा।
आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल है तो इसको, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।